ठिकरी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में माँ बेटी व मात्र संवाद का आयोजन किया है, जिसमें नगर और आसपास गांव की महिलाएं एकत्रित होकर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के प्रांगण में आयोजन किए गए। जैसे मटकी फोड़, हल्दी, कुमकुम आदि कार्यक्रम किए, वही खरगोन विभाग के विभाग समन्वयक महादेव यादव ने कहा कि वर्तमान स्थिति में जो माँ बेटी का रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट आ रही है, जिसकी वजह से बेटी अपनी माँ व परिवार से कई बातें छुपा लेती है। कार्यक्रम के माध्यम से इन विषयों पर संवाद कर समय बिताया। समय देने से स्नेहा बढ़ता है और माँ को बेटी जो सही गलत है वह बातें बताए। वही हम कहते हैं कि बेटी एक परिवार को नहीं दो परिवारों को संवारती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती शिशु मंदिर ऐसे कार्यक्रम करवाती है। वही बहनों के द्वारा अपनी माताजी का पूजन, आरती, चरण स्पर्श कर पुष्प से स्वागत किया है। माँ सर्वेश्वरी शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री आनंद जी सोनी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती मानसी, मुख्य अतिथि श्रीमती पूजा जायसवाल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पूनम राठौर, दीदी प्राचार्य श्री राजेंद्र जोशी, उक्त कार्यक्रम में समिति सचिव श्री तुलसीराम पाटीदार, समिति सदस्य श्री श्री लीमचंद जी राठौर आदि सदस्य उपस्थित रहे। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, आज सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा माँ बेटी संवाद कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहेंगे? वर्तमान में माँ बेटी के रिश्तों में जो कड़वाहट आ रही है उसके कारण कई बार अपनी मन की जो बातें रहती है वो बेटी अपने परिवार के लोगों से छुपाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके बीच में इस प्रकार के विषयों पर संवाद करवाना चाहते हैं कि आखिर किन कारणों से ये समस्या आती है, और जब एक दूसरे को समय देना प्रारंभ करते हैं, उनके लिए उनकी बातें सुनते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो परस्पर विश्वास बढ़ता है। और इसी विश्वास के कारण जब हम कहते हैं कि बेटी एक घर नहीं दो घर परिवारों को संभालती है, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि उनको इन बातों को लेकर पर्याप्त मात्रा में चर्चा भी होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिशु मंदिर ये कार्यक्रम कर रहा है। हल्दी कुमकुम जैसी रस्में भी की जाती है, ये तो हमारे संस्कार हैं और ये होना ही चाहिए, और इस बहाने कम से कम महिलाओं को एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे को से सीखने को मिलता है और परस्पर स्नेह भी बढ़ता है।